राम राम भाई सारे एक ही बच्ची गए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राम राम भाई सारे भाइयों ने। यो भाई यार है अच्छा, ये जितने भी मुखर्जी नगर तलाई हुए, सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी आर्मी एयरफोर्स और नेवी, ये जितने भी कोचिंग सेंटर या फिर जितने भी कंटिन्यू शुरू कर रखा है, तो नांगलोई, नजफगढ़, उत्तम नगर या फिर मुखर्जी नगर, जितने भी जगह पे जो जो अकेडमियाँ हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे इस आंदोलन में साथ दें और इस मुहिम को बिल्कुल कामयाब बनाने के लिए जिस तरीके से भी शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पे बेड़ा उठा रखा है इसके अंदर हमारी मदद करें। अरे आप लोग इनसे मदद मांग रहे हो ना? Yes, sir! और जो जंतर मंतर में जो भी अकेडमियाँ थी, जो नामी ग्रामी अकेडमियाँ, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हमें हौसला दिया था, तो मैं उन अकेडमियों से भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि सर जो भी आज आप लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई इधर नहीं बैठेंगे इधर नहीं बैठेंगे, तो आप लोगों ने उसका निर्णय देख लिया कि गलत जगह पे जाने से आप लोगों को वहाँ पे पुलिस वालों ने रोका भी, आप लोगों से बातचीत भी किया और ये भी बोला कि भाई आप आंदोलन ख़त्म कर दो नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये बात हम मानते हैं, हम शुरू दिन से ही कह रहे कि आंदोलन एक या दो घंटे का नहीं होता, जोश में आकर के बिना सिक्वेंस से अगर आप कोई भी आंदोलन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी उसका निर्णय नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम लोगों को एक सिक्वेंस तरीके से आज कल रात को इस आंदोलन को NDTV ने भी पूरा का पूरा कवर किया और उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके बाद प्रधानमंत्री और राजनाथ जी तक पहुंचाएंगे और उसके बाद अभी कंटिन्यू काफ़ी सारे मीडिया आ रही है जो हमारे को आश्वासन दे के जा रही है। मॉर्निंग में जो हमारे यहाँ पे टीम है, कुछ सीनियर अकेडमियाँ भी आई हुई यहाँ पे, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ गर्ल्स भी हैं, देखें आप ऊपर की तरफ तो गर्ल्स भी बैठे हुए और यहाँ पे ये कुछ बाण भी आ रही है हमारी ना भाई, जो कर मास्टर बता रहा है ये भाई है सारे ये कर रहे हैं, देखो ये बाण आ रही है अपने। अरे ये भाई सारे भर्ती आड़े भाई, ये आड़ा हो रहा है मुखर्जी नगर में भाई, हो आड़ा आ रहा है सारे भाई ने करना है इस आंदोलन को, तो हम वो भी एग्री है, लेकिन आप यहाँ पे आए और एक बैठ करके जोश में नहीं, जैसे शोरगुल करके सर ग्राउंड के अंदर कोई भी जोश भर करके बच्चों से आप इवेंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आंदोलन लड़ना है तो आपको एक सीक्वेंस और एक सिस्टम के तरीके से ही करना पड़ेगा। तो मैं अपने उन सभी रिस्पेक्टेड एकेडमी संचालक और दोस्तों से और अपने देश के और अपने दिल्ली के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मंच को ज्वाइन करें और जो हमारी तीन मांगे हैं, हमारी मुख्य तीन मांगे, कितनी मांगे हैं, सबसे पहला मांग हमारे बच्चे बताएंगे, पहला मांग क्या है, दो वर्ष का जो अभी आर्मी के अंदर छूट की बात चल रही है कि भाई जो कोरोना के अंदर हमारा जो एज निकल गया था उस वाले बच्चों को दोबारा से मतलब कि भर्ती देखने का मौका दिया था। पहली मांग है भाई दो वर्ष की छूट होनी चाहिए कोरोना में जो गलत होया है बड़का ये, जैसा कि 2020 के अंदर पेपर की तारीख निश्चित हो भाई, एग्जाम डेट निश्चित, उसका अभी तक फिजिकल और मेडिकल हुआ है और उसका अभी रिटर्न का कोई भी डेट क्लियर नहीं हुआ है, तो सरकार से हमारी दूसरी मांग थी कि वो भर्तियों का डेट क्लियर करें ताकि हम लोग अपने आगे का निर्णय ले सके कि हमें अपने तैयारी करके अपने इंडियन आर्मी में जाना या फिर दोबारा हमारे को भर्ती की तैयारी करनी है। और जो तीसरा मांग का क्या था हमारा, जो तीसरा मांग है कि 2020 के बाद 21-22 ये 2 साल हो गए देश के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन अभी हमारे बच्चों का जो नए भर्तियों का जो डेट डिक्लेयर होना था आर्मी का, वो अभी तक किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी जगह पे अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसी मुहिम को लेकर के अभी पूरे देश के अंदर से जितने भी युवा थे आर्मी के अंदर जो भर्ती देखने वाले थे या फिर जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो गुरुजन थे, उन सब लोगों ने मिल करके एक जंतर मंतर में 5 तारीख का आंदोलन रखा था। भारी मात्रा में आंदोलन में बच्चे आए थे और जो काफ़ी दूर दूर से जो अकेडमी संचालक थे वो भी आए थे और उन अकेडमियों में से काफ़ी अकेडमी संचालक हमारे साथ यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और जो कुछ अकेडमी संचालक अभी हमें ज्वाइन करने के लिए, कोई राजस्थान से है, कोई इंदौर से है, कोई पंजाब से है, तो सभी लोग हमसे कंटिन्यू टच में कि अभी हम लोग आकर के मंच ज्वाइन करेंगे। तो मैं बाकी और भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अभी कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आंदोलन अभी शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इस आंदोलन के अंदर ना ही मैं कोई ऐसा जोश वाली बात करूंगा जिससे कि मेरे बच्चे उग्र हों और ना ही मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि आप उग्र तरीके से
आप देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर का सबसे मेन जगह है ये, बत्रा सिनेमा बोलते हैं। यहाँ पे हजारों इंस्टीट्यूट है, लेकिन डिसिप्लिन और सिक्वेंस से हमारे सारे बच्चे गर्ल और जो एकेडमी संचालक यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से हम पूरा का पूरा इस आंदोलन को रंग रूप देंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। अरे कामयाब बनाओगे ना? यस सर। भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। आखिरी में यही बोलूंगा कि जब तक आप लोग आओगे नहीं ये आंदोलन सफल नहीं होगा, लेकिन हम लोग भूखे प्यासे यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। आप लोगों ने बोला है कि हम 10 को आएंगे, कुछ इस एकेडमी संचालकों ने बोला कि हम 16 को आएंगे, सर हम 20 तक इंतजार करेंगे कि आप लोग आओ और इस आंदोलन को आगे रंग रूप दो और इस आंदोलन को कामयाब बनाओ। नेम और फेम सर बाद में कामयाबी के बाद ले लेंगे, जब बच्चे का डेट और एज में छूट मिल जाएगा तो नेम और फेम सबको मिल जाएगा सर। आप लोग यहाँ पर रिस्पेक्टेड है, आप लोग आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। क्लियर बेटा? यो भाई सही। हां तो जो हां सर, भारती चाहिए, भारती चाहिए, भारती चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है, आप लोग आइए, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। जय हिंद। जो भाई सर ने बहुत बढ़िया साफ सुथरी तरीका कम शब्द में सारी बात बता दी। देखो जो भी भाई उल्टे सर के हैं उल्टे आ जाइए भाई, आड़ है जो गरा सर अगे हैं आड़ा मामला फिट हो रहा है, ये भाई हैं आड़ है फुल माहौल हो रहा है भाई, ठीक है। सारे भैया नाना है अटके हरिमान आंदोलन में भाग लेना है भाई, ठीक है। एक बार दोस्त दिखाए तो काम नहीं चलेगा, डटना है भाई, डटना है। और प्लीज बेटा अपने स्तर पे अपने दोस्त अपने स्तर पे बताइयो, चलो ठीक है भाई। राम राम। एज निकल रहे आज हमारी भर्ती का इधर उधर हो रहा है, यो बता दिया मास्टर खूब अंगा ला रहा है, ये बाण भी आ रही है अपनी। चलो भाई फिर इस वीडियो में इतना आया था, यो बत्रा सिनेमा बतावा ही नाड़ बत्रा जगह है, मेन जगह है मुखर्जी नगर की, ठीक है भाई। ये भाई ठीक है, चार्ली के चीते भी सारे हैं है, और भी संदीप फौजी ने बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया कौन सा काम दिल्ली तो है, चलो जबरदस्त। लो भाई फिर इस वीडियो में इतना, राम राम। काम चल रहा सारे भाई ये सुतरे, ये भाई यार।